दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसे भारतीय टीम की तरफ से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने किया कमाल, रचा इतिहास और उड़ा दिए वेस्टइंडीज की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे। आखिरकार कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रचा और क्या रही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महा मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स, ये सब तो आपको हम वीडियो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है महान बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक दिवसीय सीरीज में तो भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम की बखिया उधेड़ दी और इनकी 3-0 से क्लास लगा दी और क्लीन स्वीप कर दिया। अब एक दिवसीय सीरीज के बाद बारी है T20 सीरीज की। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज ब्रायन लारा स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले के साथ ही 5 T20 मुकाबलों की सीरीज का आगाज हुआ। रोहित शर्मा भले ही इस मुकाबले में टॉस हार गए, लेकिन रोहित ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ओपनिंग में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की जिससे कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के होश उड़ गए और पहली बार ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने पारी के पहले ओवर से ही तहलका मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पोरर ने गेंदबाजी की कमान मैकॉय के हाथों में थमा दी और तो और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इनकी गेंदबाजी को भांप नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अंतिम गेंद डाली ओवर की, तो इस पर सूर्य कुमार यादव ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया। वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए जेसन होल्डर को तो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने आड़े हाथों ले लिया और जेसन होल्डर ने अपनी पहली ही गेंद रोहित शर्मा के सामने 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाल दी। लेकिन रोहित शर्मा ने इससे भी दुगनी रफ्तार से बल्ला घुमाते हुए शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा के छक्के को देखकर गेंदबाज जेसन होल्डर के साथ साथ निकोलस पूरन के माथे पर भी पसीना आ गया। इस प्रकार से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में 15 रन ठोके और इस प्रकार से भारत की टीम को इस मुकाबले में बेहद ही ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। भारतीय टीम ने 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर 5 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 43 रन ठोक दिए। ये दोनों बल्लेबाज हर वेस्टइंडीज के गेंदबाज को पीट रहे थे। ये दोनों मैदान के अंदर ऐसे चौके और छक्के दाग रहे थे जैसे दुश्मनों के सीने में गोली दाग रहे हो। इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तानों की चिंता बढ़ चुकी थी। वेस्टइंडीज की कप्तान निकोलस पूरन लगातार अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप तोड़ना कितना जरूरी है। ये दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज की टीम के लिए और भी घातक होते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से 5वां ओवर डालने के लिए निकोलस पोरर ने गेंदबाजी की कमान अकील हुसैन पर विश्वास दिखाते हुए इनके हाथों में थमा दी और जैसे ही गेंदबाज अकील हुसैन ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली, तो इस पर इन्होंने सूर्य कुमार यादव को कैच आउट कराकर इस खतरनाक पार्टनरशिप को 43 रन के स्कोर पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 16 गेंदों पर 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इनके आउट हो जाने के बाद अब रोहित शर्मा का साथ देने और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, लेकिन ये भी अकील हुसैन की गेंदबाजी के जाल में फंस गए, बच नहीं पाए और इनकी 5वीं गेंद पर डक पर कैच आउट हो गए। और इनके आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की पारी का जिम्मा संभालने और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे, लेकिन ये भी इस मुकाबले में उस अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए इनको जाना जाता है और सिर्फ 12 रन बनाकर कीमो पॉल की गेंद पर अकील हुसैन के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जी हां, आपको बता दें कि सिर्फ 1 रन बनाकर अल्जरी जोसेफ का शिकार बने और इनके आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब भारतीय टीम के 4 विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा लग रहा था एक समय कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी और उससे पहले ही आउट हो जाएगी। लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर जबरदस्त पार्टनरशिप करी और आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में चौके और छक्कों की बरसात करके रख दी। रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर इस मुकाबले में 44 गेंदों पर 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। लेकिन बाद में ये जेसन होल्डर की एक गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने के चक्कर में हिट मायर के हाथों कैच आउट हो गए।
इनके अगले ही ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी 17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दो धुरंधर रविचंद्रन अश्विन और दिनेश कार्तिक ने तो इस मुकाबले में कमाल ही कर दिया। खासकर दिनेश कार्तिक ने तो अपने चौके और छक्कों के दम पर वेस्ट इंडीज की टीम को तहस नहस करके रख दिया। दिनेश कार्तिक ने अपने इस मुकाबले में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 19 गेंदों पर नाबाद 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने भी 10 गेंदों पर नाबाद 13 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 191 रनों का लक्ष्य दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इनके बल्लेबाज नहीं टिक पाए और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कायल मेयर को मात्र 15 रन पर भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेसन होल्डर मैदान पर आए, लेकिन ये स्पिनर भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए और गोल्डन डक पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा और अर्शदीप सिंह के बाद भारतीय तेज गेंदबाज और स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और आपको बता दें कि पावर प्ले के अंतिम ओवर में इन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे समर ब्रिक्स को भी 20 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और वेस्टइंडीज की टीम को तीसरा झटका लग गया। और अभी वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से इनके कप्तान निकोलस पूरन और पॉवेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी उनकी टीम का स्कोर 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन हो चुका है। दोस्तों, यहां से तो लगता है कि वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में 100 रन तक नहीं पहुंच सकती है, उससे पहले ही आउट हो जाएगी और भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वेस्टइंडीज की टीम इस मैच में जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।